दोस्तों, आज हमारा वेट लॉस का डे नंबर 3। आज हम करने वाले हैं ऐसी एक्सरसाइज जिसको आपको 30 मिनट तक करना है। यहाँ पे हमने 8 मिनट के लिए की है, तो इसको आपको एक बार बीच में 10 मिनट का रेस्ट लेके फिर से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह आपको इसको 3 बार करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे रनिंग। रनिंग में आपको कोशिश करनी है कि आप अपने लेग्स को यहाँ पे अपनी थाइस पे टच करवाने की कोशिश करें जब आप रनिंग कर रहे हैं, और सामने की तरफ देखें और ब्रीथिंग अपनी सांसों को नॉर्मल चलने दें। इस तरह से आपको यहाँ पे लगातार रनिंग करते रहना है 45 सेकंड्स के लिए। जब आपको लगे कि आप थक गए हैं तो थोड़ा सा आप जो है मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप रनिंग करते रहें, और उसके बाद आप यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए। और उसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। हमारी अगली एक्सरसाइज में हमने यहाँ पे आगे और पीछे अपने पैरों को करना है इस तरह से आपको, और साथ में आपके हाथों को भी मूवमेंट करनी है। जब आप पैरों को आगे और पीछे करना शुरू करेंगे तो आपके हाथ ऑटोमेटिक खुद ब खुद आपकी मूवमेंट करने लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको धीरे धीरे करना है, और यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर कर सके, और स्लोली स्लोली करते करते बीच में अगर आपको यहाँ पे ब्रीथिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो थोड़ी सी रनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बीच बीच में रनिंग की है। इस तरह से इसको आपको 45 सेकंड्स करना है, और 45 सेकंड्स करते हुए आपको जो है यहाँ पे 10 सेकंड का फिर रेस्ट ले लेना है। 10 सेकंड आपको यहाँ पे अपने मन में काउंटिंग करके रेस्ट लेकर फिर अगली एक्सरसाइज पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है यहाँ पे जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स में आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ खोलना है, बाहर की तरफ यहाँ पे ओपन करना है, और हाथों को टच करवाने की कोशिश करनी है, ऐसे ही लेग्स को भी। जंपिंग जैक्स जो है बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है हमारी पूरी बॉडी को वार्म अप करने के लिए और हमारा वेट लॉस के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हर दिन जंपिंग जैक्स करें, कम से कम आप यहाँ पे 15 से 20 बार तो जंपिंग जैक्स एक बारी में कर ही ले, और 20 बार जंपिंग जैक्स करने के बाद यहाँ पे 10 सेकंड का रेस्ट लेकर फिर अगले एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर 20 बार जंपिंग जैक्स और भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको हर रोज सुबह और शाम दोनों टाइम करनी चाहिए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को। और मेरे साथ वेट लॉस का हर दिन आप अगर रेगुलर करते हैं बीच में एक रेस्ट डे के साथ संडे के साथ, तो आपका जो वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। अगला है हमारे यहाँ पे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज जो कि हमें यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना, हाफ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरों को पीछे की तरफ पूरा कंप्लीट खोला है, और आपको यहाँ पे कमर से उठने की कोशिश करनी है। इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी कमर को जितना हो सके ऊपर उतना ऊपर उठाए, इससे आपका पेट का वजन, आपकी थाइस का वजन बहुत ही जल्दी कम होगा। इस तरह से आपको इसको 45 सेकंड्स करना है। अपनी सांसों को नॉर्मल चलने दीजिए, सांसों को बिल्कुल भी हैवी मत होने दीजिए, और धीरे धीरे इसको कीजिए, कोई भी स्पीड मत लीजिए इसमें, इसमें आपको धीरे धीरे करना है। इस तरह से आपको ये 45 सेकंड्स करिए। अब आपको ये हो गया होगा कि आपकी जो सांसें काफ़ी ज़्यादा फूल गई होंगी, आप थक गए होंगे, तो यहाँ पे आप 1 मिनट का या 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का यहाँ पे आप रेस्ट ले सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी, इस तरह से हमें यहाँ पे अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाना है अपने लेग्स के बीच में से। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज में आपका जो जो बेली है, आपकी थाइस है, आपकी आर्म्स है, इन सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और आपका जो वेट लॉस है बहुत जल्दी होगा। तो मैंने बेसिकली जितनी भी एक्सरसाइज बताई है उन सारी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है, और इनसे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा अगर आप रेगुलर इन्हें मॉर्निंग और इवनिंग में करते हैं। तो इस तरह से आपको इसको 45 सेकंड्स तक करते रहिए। 7 6 5 4 3 2 1 0 नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमें स्क्वैट्स लगाने हैं। स्क्वैट्स से हमारे थाइस का जो वेट है, लेग्स का जो वेट है, वो बहुत जल्दी कम होता है, और साथ में हमारी आर्म्स का भी। लेकिन स्क्वैट्स जो बिगनर होते हैं उनसे 10 या 11 ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपसे थोड़ा सा मुश्किल होगा 45 सेकंड्स के लिए इसे करना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप 45 सेकंड्स की जगह 20 या 30 सेकंड करें, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे रिलैक्स ले सकते हैं, क्योंकि 20 सेकंड अगर आप करते हैं तो उससे आपकी जो है यहाँ पे ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, तो बीच में आप रेस्ट टाइम ले सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप बिगनर हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं अभी, और अगर आप बिगनर नहीं हैं तो एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। 5 4 3 2 1 हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है यहाँ पे डंकी किक।
डंकी किक जो है यहाँ पे क्या होता है कि आपको इस तरह से ऊपर किक करनी होती है, जितना आप पीछे की तरफ किक कर सकते हैं उतना पीछे की तरफ किक करना है। यहाँ पे दोनों हाथों को जो है कंधों जितना डिस्टेंस देते हुए नीचे की तरफ देखना है और पैर को जितना हो सके पीछे की तरफ किक करना है। पहले एक पैर से कीजिए, फिर दूसरे पैर से करेंगे और फिर दोनों लेग से ऑल्टरनेट करेंगे। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज से आपको पेट पे खिंचाव महसूस होगा, आपके पैरों पे जो है आपका इफेक्ट पड़ेगा, आपकी थाइस पे और लेग्स पे। इससे आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट लोअर एब्डोमेन पार्ट का और कंप्लीट लोअर पार्ट का यहाँ पे वेट लॉस होगा। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अब हम दूसरे लेग से करेंगे। आपने जिस लेग से पहले किया उससे दूसरे लेग से कीजिए। अब ना हो सके ऊपर की तरफ किक कीजिए। 39, 38, 37, 36, 35, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अब हम दूसरे लेग के साथ करेंगे। अब ऑल्टरनेट लेग के साथ पहले एक लेग और फिर दूसरा लेग, इस तरह से दोनों लेग्स के साथ करना है। इसको भी आपको 45 सेकंड्स करना है। तो विद काउंट करते जाइए और बीच में अगर आप थक जाते हैं तो रेस्ट ले लीजिएगा 10 से 15 सेकंड का, फिर अगेन कंटिन्यू करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल बटन जरूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आपकी वर्कआउट की। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर सारा बेली फैट रिलेटेड, सारी जितनी भी एक्सरसाइज होती है थाइस रिलेटेड, थाइस और लेग्स रिलेटेड, आपके जो आर्म्स रिलेटेड है और आपके जो यहाँ पे अगर सर्वाइकल की दिक्कत है आपको, आपको यहाँ पे ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है लड़कियों को, तो उनके भी मैंने सारी वीडियो बनाई है। और पीरियड्स के लिए भी कौन कौन सी एक्सरसाइज अच्छी हैं, पीरियड के टाइम पे बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत करिएगा। अगर आप जो है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो पीरियड के टाइम जितना हो सके रिलैक्स करिएगा, और पीरियड में तो एक्सरसाइज करनी ही नहीं है। ये सारी जो है एक्सरसाइज लड़कियों के लिए भी है और ये लड़कों के लिए भी है। तो मैं पर्टिकुलर लड़कियों के लिए नहीं बनाती सिर्फ वर्कआउट एक्सरसाइज, ये लड़कों के लिए भी होती है। तो इस तरह से आपको काओ यहाँ पे कैट काओ पोज करना है। कैट काओ पोज में आपको इनहेल करते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना है और एक्सहेल करते हुए आपको नीचे की तरफ, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, इस तरह से। अब आप यहाँ पे अगले एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को बाहर की तरफ इस तरह खोलना है प्लैंक पोज में आके, तो इस तरह से आपको इसको भी 45 सेकंड्स करना है। और इन सभी एक्सरसाइज को 45 सेकंड्स करते हुए बीच में रेस्ट लेते हुए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये 3 बार करना है लगातार, एक बारी करके फिर 10 मिनट का रिलैक्स लीजिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, फिर एक बार करके फिर 10 मिनट का रिलैक्स लीजिए और फिर आपका आज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है कब से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या आप रियली स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ यहाँ पर आपको पूरा साथ दूँगी। आप जो भी कमेंट बॉक्स